सॉफ्टवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि FDDI गुना के पदाधिकारियों ने आज स्थानीय निजी होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में नोएडा से पधारी FDDI की एडमिशन विभाग प्रबंधक आरती सबरवाल ने पत्रकारों के सामने FDDI को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे। यहां उन्होंने बताया कि अब FDDI राष्ट्रीय महत्व का संस्थान यानी कि INI प्रमाणित हो चुका है, जो कि गुना वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने बताया कि 12वीं पास स्टूडेंट FDDI में विभिन्न कोर्सों के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए बहुत जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित किए जाएंगे। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी छात्र छात्रा इस संबंध में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो उनकी वेबसाइट www.fddi.india.com पर विजिट कर सकते हैं। इस मौके पर आरती सबरवाल के साथ FDDI गुना के केंद्र प्रभारी सौरभ अग्रवाल भी उपस्थित रहे। हम अभी भी प्लान कर रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन में भी हम जितना अवेयरनेस बच्चों को दे सकते हैं उतना अवेयरनेस हम हमारी साइड से बच्चों को दे रहे हैं। अब थोड़ा सा लोकल मीडिया अगर इसमें सहयोग करेगा तो बात और अच्छी बन जाएगी, क्योंकि चीज शहर के लिए है। FDDI एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट है और ऑटोनोमस बॉडी है। FDDI को अभी अभी INI का दर्जा मिला है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का। इस बार गुना में हम लोग बैचलर्स पे कुछ कोर्सेज लेकर आए हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन फुटवेयर रिटेल लेदर गुड्स एंड फैशन डिज़ाइन, और मास्टर्स में MDes इन फुटवेयर और MBA इन रिटेल मैनेजमेंट। MBA में हम लोग सिर्फ रिटेल कराएंगे, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज। अभी हमारे 12 कैंपसेज हैं पैन इंडिया। गुना में हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, अभी हमारे पास सिर्फ 12 बच्चे हैं फुटवेयर में, बट क्योंकि तब हमारे पास फुटवेयर का ही कोर्स था, अब इस बार हम लोग नए कोर्सेज लेकर आए हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब है कि अब हमें ऑटोनोमी मिल गई है कि हम अपनी डिग्री खुद दे सकते हैं, हम अपने कोर्सेज खुद चला सकते हैं, कोर्सेज के नॉमनक्लेचर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, करिकुलम हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। INI में हमें अब पूरी ऑटोनोमी है कि हम अपने कोर्सेज अपने हिसाब से चला सकते। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री के लिए 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स आर्ट्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से, और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में बच्चे को ग्रेजुएट होना चाहिए। MBA के लिए किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन किया हुआ है तो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। MDes के लिए टेक्निकल ग्रेजुएशन चाहिए। एज में कुछ रहेगा? एज में अगर ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो एज लिमिट नहीं होता, 25 साल होता है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है।